हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ साइलेंट में। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 एक्सरसाइज फिर से 9.1 का ही क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। जिन्होंने भी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होगी, चलिए क्वेश्चन समझते हैं। लिखा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर एंड आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। यहाँ पे बोल रहा है 80 मीटर चौड़ी कोई सड़क है। यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारी सड़क है, रोड, ये 80 मीटर चौड़ी है और इसके दोनों किनारे पर दो पोल्स यानी कि खंभे लगी हुई है जो आपस में इक्वल है, इक्वल हाइट, दोनों की हाइट सेम है। तो यहाँ पे मैंने ए बी और सी डी दो पोल्स बनाए हैं जो कि इक्वल हाइट्स के हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड रोड पे किसी बिंदु से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। सड़क पर किसी भी एक बिंदु से एक तरफ के पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है और एक तरफ 30 डिग्री है, तो दोनों एंगल डिफरेंट डिफरेंट है, यानी ये जो पॉइंट होगी एक पोल से नजदीक और दूसरे पोल से दूर होगी। यानी जिसकी एंगल इधर 60 डिग्री है तो ये पॉइंट जो है इस पोल के काफी करीब होगी और ये 30 डिग्री है, इस पॉइंट, इस पोल से ये पॉइंट काफी दूर होगी। तो इसी तरह का आप फिगर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे पोल्स बनाया है, आपको पोल्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें क्या क्या निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमें इन पोल्स की हाइट निकालनी है और साथ ही द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और ये पॉइंट जो है इस पोल से कितनी डिस्टेंस पे है, इस पोल से कितनी डिस्टेंस पे है, वो डिस्टेंस भी हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये पूरी डिस्टेंस, ये जो सड़क है ये 80 मीटर दी गई थी हमें, तो हमने इसे बीपी को एक्स मान लिया, तो ये जो वैल्यू होगी डीपी वो 80 माइनस एक्स होगी। क्यों? क्योंकि अगर इसकी जितनी भी वैल्यू आती है तो वो 80 में सब्ट्रैक्ट होके ही ये वैल्यू बनेगी। मान लेते हैं यहाँ पे 20 आता है तो 80 में हम 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू जो है 60 होगी, इसीलिए ये x होगी, तो ये 80 माइनस एक्स होगी। तो सबसे पहले पहला जो हम काम करेंगे वो इस ट्राइंगल में करेंगे, ट्राइंगल ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में मैंने लिख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड ये पी होगी और ये बी, हमें एच की यहाँ पे जरूरत नहीं है, पी और बी का रेशियो लेते हैं, तो इधर से ए बी बाई बी पी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी बाई बी पी जो कि बनेगी पी बाई बी की रेशियो, और ये टैन में जाती है और इस ट्राइंगल की जो थीटा है वो 60 डिग्री है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता है और बी पी को हमने एक्स माना है, तो यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे और टैन 60 की वैल्यू होती है √3, इसके नीचे 1 लेंगे और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो √3x आएगी। इसे हम इक्वेशन 1 कर लेंगे। अब हम दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल सी डी पी, सी डी पी त्रिभुज सी डी पी में, तो इस बार थीटा जो है यहां पे है तो इसके सामने वाली साइड ये पी होगी और ये बी, तो फिर से हम पी बाई बी की रेशियो लेते हैं सी डी बाई डी पी, सी डी बाई
डीपी, तो ये फिर से टैन में जाएगी, लेकिन इस बार जो एंगल है वो 30 डिग्री है। सीडी की वैल्यू हमें नहीं पता है और डीपी, डीपी के जगह हम 80 माइनस एक्स पुट करेंगे, 80 माइनस एक्स इक्वल टू, और टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सीडी √3 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनाएगी √3 सीडी, और ये 1 से मल्टीप्लाई होके 80 माइनस एक्स ही रहेगी। उसके बाद √3 को हम इधर भेज देंगे, तो जो सीडी की वैल्यू आएगी वो 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3 आएगी। इसे हम इक्वेशन 2 करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं AB और CD की वैल्यू हमने निकाल ली है, और AB और CD ये दो इक्वल हाइट की पोल है, तो यहाँ पे हम AB इक्वल टू CD लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम AB की वैल्यू और CD की वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो AB की वैल्यू √3x है, तो इस तरफ हम √3x लिखेंगे, और इधर CD की वैल्यू 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3 है। अब हम यहाँ पे इस रूट को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, तो ये √3 √3x √3 से मल्टीप्लाई होके √9, और 9 से फिर हमें 3 मिलेगी, तो ये 3x हो जाएगी, और इधर 80 माइनस एक्स, इस माइनस एक्स को फिर हम इधर ले आएंगे, तो 3x प्लस एक्स हो जाएगी इक्वल टू इधर 80 बचेगी, फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे 4x इक्वल टू 80, तो x की जो वैल्यू होगी 80 बाई 4, 4 से ये डिवाइड हो जाएगी 20 टाइम्स में, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 20 मीटर होगी, यानी ये जो वैल्यू आई है बीपी ये 20 होगी, क्योंकि x को हमने बीपी को हमने x माना था, तो ये वैल्यू 20 होगी 20 मीटर, और इधर 80 माइनस एक्स है, तो हम 80 में 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इधर की जो वैल्यू होगी वो 60 होगी। तो ये डिस्टेंस हमने निकाल ली है 20 और 60। अब हमें पोल्स की हाइट निकालनी है, x की वैल्यू आ चुकी है, तो आप यहाँ पे पुट कर दे वैल्यू, या यहाँ पे, ये दोनों ही पोल्स है, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से हमें पता है एबी इक्वल टू √3x है, तो यहाँ पे हो जाएगी √3 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 20, और फाइनली हमें 20 √3 मिलेगी, तो ये हमारी पोल्स की हाइट है। तो फाइनली हमारी जो आंसर है उसे हम लिख देंगे, हमें निकालनी थी हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट ऑफ दी पोल्स यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी जो कि आई है 20√3 मीटर। उसके बाद दो डिस्टेंस हमें निकालनी थी, एक डिस्टेंस बी पी निकालनी थी, तो ये आई है 20 मीटर, और एक डिस्टेंस इधर से डीपी निकालनी थी, तो ये आई है 60 मीटर। फाइनली ये जो है ये सारे हमारे आंसर है। तो उम्मीद है ये सारी चीजें अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।